हेलो माय डियर लर्नर, यूट्यूब स्टडी चैनल बुकल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमेशा की तरह आज फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आज हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी से पोटेंशियोमीटर। देखिए, ये टॉपिक हमारा वैसे लास्ट टॉपिक रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, सो दैट कि आपको सीक्वेंस में सब कुछ समझ में आए। ठीक है, वैसे नया भी कोई होगा तो भी इसको समझ में आएगा, लेकिन और ज्यादा क्लियर समझ में तब आएगा जब वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कोई न्यू है तो वो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ 9 से 12 तक हम फिजिक्स कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम 5-10 लोगों को और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाओगे। सो डियर स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, पोटेंशियोमीटर। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में है क्या। आपने वोल्टमीटर देखा होगा और वोल्टमीटर हमारा क्या करता है, किसी भी सर्किट के अक्रोस अगर हमने कोई रेजिस्टेंस आर लगा रखा है तो इसके अक्रोस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी ये हमें बताता है वोल्टमीटर। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आइडियल जो वोल्टमीटर होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम मानते हैं इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, क्या पॉसिबल है भाई मैं यहां पे एक ऐसा वोल्टमीटर लगा रहा हूं जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से मतलब है दो वायर मैंने ले रखी है और दोनों को कनेक्ट नहीं कर रखा, तो उनका जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो सकता है। अब यहां पे अगर ऐसा हम कर देंगे तो फिर हमें वैल्यू कैसे मेजर करके देगा वोल्टमीटर। सो बेसिकली जो आर इनफाइनाइट है ये इम्पॉसिबल है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा वोल्टमीटर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा रखा है तो ये कुछ करंट ड्रॉ करता है। सो ये एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं करेगा वोल्टेज ड्रॉप की अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। सो इसके लिए हमारे पास एक और नया डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस ही है, या फिर ये ईएमएफ मेजर करता है या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। ठीक है, सेल या बैटरी का। और इसकी खास बात क्या है कि ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। जब ये किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस में हम लगाते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए तो ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, ये चीज दिमाग में सेट करके रखनी है। सो प्रैक्टिकली पोटेंशियोमीटर जब आप देखोगे लैब के अंदर, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट भी है हमारे 12th क्लास के अंदर, ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर बना होता है, एक लकड़ी का जो बोर्ड है ऐसा, उस बोर्ड के ऊपर स्ट्रिप लगी होती है कॉपर की, जैसे ये स्ट्रिप है ये कॉपर की, ये और ये। ठीक है, ये चार वायर है पैरेलल 100 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की, इस तरीके से 100 सेंटीमीटर यहां तक, 100 से फिर ये 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 सेंटीमीटर की वायर मैंने यहां पे लगा रखी है। जरूरी नहीं है 400 हो, 100 सेंटीमीटर से भी काम चल सकता है, 400 से ज्यादा भी हो सकता है। इसकी लेंथ किस बात को डिसाइड करती है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो ये थोड़ा बल्की भी है, ठीक है, लगभग इसका साइज ये होता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतना बल्की साइज में होने के बावजूद भी हम इसको प्रेफर करते हैं किन्हीं भी दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने के लिए। तो इसका मतलब खास बात ये है कि इसकी खास बात क्या होनी चाहिए, कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ओवर द वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले तो बता देता हूं। इसकी एक मेजर जो एडवांटेज है ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। किस पे? नल डिफ्लेक्शन मेथड पे।
इट इज बेस्ड अपॉन नल डिफ्लेक्शन मेथड. अब ये मेथड क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया है. नल डिफ्लेक्शन मेथड से हमारा मतलब है कि जब ये किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टमीटर मेजर करता है उस दौरान ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता. ये है नल डिफ्लेक्शन मेथड. यानी इसमें मैं यहां पे एक क्या लगाऊंगा, एक हमारे पास में जो है गैल्वेनोमीटर होगा, वो हम अटैच करेंगे जैसे मीटर ब्रिज में आपने देखा था, जॉकी की हेल्प से हम स्लाइड करके देखेंगे, नल पॉइंट सर्च करेंगे. जहां पे भी हमें नल पॉइंट मिल जाएगा तो वो उसकी एक्यूरेट सेटिंग होती है. ठीक है, तो इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली. यहां मैंने वर्ड यूज किया एक्यूरेटली, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा वोल्टमीटर भी मेजर करता है, बट एक्यूरेटली हमारा कौन मेजर करेगा, पोटेंशियोमीटर. हालांकि इसका साइज बहुत बड़ा है, आप वोल्टमीटर देखोगे तकरीबन ये साइज का आपको मार्केट में मिल जाता है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर होता है. ठीक है, उसके बावजूद भी हम इसको प्रेफर करते हैं. इसका जो है इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वुडन बोर्ड के ऊपर है पूरी अरेंजमेंट. ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस है, तो इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं. इसकी और एप्लीकेशन भी है. इसकी और एप्लीकेशन ये है कि ये सिर्फ दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर नहीं करता, इसके साथ साथ ये क्या चीज मेजर करता है, ये किसी भी सेल के अक्रॉस, जैसे मैंने यहां पे एक सेल लगा दिया, इस सेल के अक्रॉस इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मेजर करेगा, या फिर जो है हम ये कहें कि इसका ईएमएफ कितना है, अननोन ईएमएफ है इसका, वो ईएमएफ भी हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये कुछ दो या दो से ज्यादा सेल हम लगा करके उनकी ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, जिनकी ईएमएफ हमें नहीं पता उनके सेल्स की ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं. तो ये मेजर एप्लीकेशंस हैं जिसको हम समझेंगे. तो मैं आपको अभी इस सर्किट के बारे में बता देता हूं, सर्किट में क्या कर रखा है. ये कॉपर स्ट्रिप है, क्यों लगाई जाती है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो एरिया जितना ज्यादा करोगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. तो इन जो स्ट्रिप्स का एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से इनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, जो हमारे सर्किट के अंदर कोई अफेक्ट ना कर सके, इसीलिए हमने ऐसे किया है. अब देखिए, ये जो ए पॉइंट है ये हमारा हाई पोटेंशियल पॉइंट है. ठीक है, ये ए पॉइंट क्या है, हाई पोटेंशियल, क्योंकि हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. और बी जो पॉइंट है ये है लो पोटेंशियल. ठीक है, अब बी पॉइंट पे आपने नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया है थ्रो ए रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट एक टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस. आप लैब में देखोगे कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा. ठीक है, ऐसे टाइप का, इस पे एक स्लाइडर बना होता है, स्लाइड करते हैं दो टर्मिनल के बीच का जो है जितना भी रेजिस्टेंस हम सेट करना चाहिए यहां से सेट कर सकते हैं, इसको रियोस्टेट बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट. ये रियोस्टेट जो है किस काम आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को सेट करने के लिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को हमने यहां सेट किया, इसकी क्या जरूरत है ये भी मैं बताऊंगा. सारी चीज को ध्यान से समझो, आगे का टॉपिक में कुछ भी ज्यादा ऐसा टफ है नहीं, समझते जाइए सारी चीज को बस. अब देखिए हम बात कर लेते हैं, अब ये 100 सेंटीमीटर की वायर यहां है, फिर 100 सेंटीमीटर की यहां, 100 सेंटीमीटर की ये, इस तरीके से 400 सेंटीमीटर की टोटल वायर मैंने यूज की है. इनकी लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो उनका रेजिस्टेंस न के बराबर है, तो इसीलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये जरूर ध्यान रखिए कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पे कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल हमारा बी पे कनेक्टेड हो. तो ए पे अगर कनेक्टेड है तो ए हमारा हाई पोटेंशियल, अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्ट किया होता तो ये जो अरेंजमेंट है अपोजिट होती, सेल या जिसका भी हमें ईएमएफ मेजर करना है उसको फिर हम उस टर्मिनल पे लगाते. ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. देखो जो चीज मैं समझा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ध्यान रखा तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ है नहीं कि जो समझ में ना आए, लेकिन लोगों को ये टॉपिक इतना टफ लगता है क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता, इसका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता कि ये है क्या, करता क्या है, इसके न्यूमेरिकल आते सोल्व ही नहीं कर पाते. तो ये सब चीज हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, अब जैसे मान लिया कि हमारे पास में एक
गैल्वेनोमीटर से हम इसको सर्च करते हैं, जैसे यहां पे मैंने इसका ये सेल ले लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, ठीक है। तो हम कैसे मेजर करेंगे, यहां से हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच करके और फिर हम जो है सर्च करते हैं नल पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक पोटेंशियोमीटर। अभी मैं बात करता हूं इसके एक प्रिंसिपल की, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो पहले समझ लीजिए कि भाई ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब ये जो वायर हमने यूज कर रखी है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब इनका जो ये वाला हिस्सा है डायमेट्रिक, जिसमें डायमीटर होता है, ये वाला हिस्सा जो है इक्वल होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। एरिया मतलब उसका कॉन्स्टेंट रहे। और दूसरी बात, तो वो सेम मटेरियल की बनी हुई है, वायर जो है सेम मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसमें से करंट कॉन्स्टेंट फ्लो कर रहा हो। करंट कॉन्स्टेंट कैसे करेंगे, इस रियोस्टेट की हेल्प से। इस सर्किट में जब भी करंट हमें कितनी भी वैल्यू पे सेट कर रहा है, रियोस्टेट की वैल्यू को हम आगे पीछे करके चेंज करके हम करंट की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, क्लियर है। ये करंट को फिक्स कर लेते हैं सो दैट कि इसमें से कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करे, ओके। तो ये हमारा बेसिक फंडा है, कॉन्स्टेंट करंट इसमें से फ्लो हो रहा हो। अब क्या है कि किसी भी दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी वो हम नल पॉइंट से यहां से स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को अटैच करके सर्च करना वो पॉइंट। सपोज करो मुझे यहां मिल जाता है, तो एक्चुअल में इस लेंथ की, यहां तक की जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है, हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस लेंथ पे ही डिपेंड कर रही है। यानी वायर की लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो उस लेंथ पे ही डिपेंड करता है। कब, जब वो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो, मटेरियल कॉन्स्टेंट हो, मतलब चेंज ना होता हो और उसमें से कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करता हो। और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यही इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। चलो हम इसके बेसिक प्रिंसिपल की ही बात कर लेते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल, लिख लीजिए साथ साथ में, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कॉन्स्टेंट When a constant current flows through, when a constant current flows through a wire of uniform cross section, and material यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए और मटेरियल भी क्या हो, एंड कंपोजिशन कह सकते हैं, एंड कंपोजिशन, दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी length of the wire is directly proportional to its length, directly proportional to that length, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर जो कॉन्स्टेंट करंट अगर इस वायर में से फ्लो कर रहा हो थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन, क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है, कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म है, देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ इटसेल्फ।
सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, ये चीज हम प्रूव भी करते हैं। प्रूव कैसे करते हैं, देखिए इसको। अभी जो चीज आपने यहां लिखी वही चीज मैं यहां प्रूव करता हूं। आपने अकॉर्डिंग टू ओम्स ला क्या स्टडी किया है, फ्रॉम ओम्स ला V इज इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है। बट R क्या स्टडी किया हमने, R इज इक्वल टू हमने स्टडी किया है रो L बाय A, याद होगा या नहीं याद है, याद होना चाहिए। रो L बाय A, रो यहां पे रेजिस्टिविटी था, लेंथ, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस वैल्यू कैन बी यूज हेयर। सो V इज इक्वल टू I इंटू R रो L डिवाइडेड बाय A। अब जरा ध्यान से देखिए, सारी चीज जो मैं अभी यहां बताऊंगा आपको वो ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, मटेरियल यानी कंपोजिशन सेम है तो रो रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये भी फिक्स होगी। करंट आपने कांस्टेंट कर दिया तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू K इंटू L, ठीक है। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो बात हमें अभी प्रिंसिपल में लिखी थी। तो यहां पे K क्या है, K इज इक्वल्स टू V बाय L, ठीक है। V बाय L भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हो I इंटू रो डिवाइड बाय A, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ये होता है एक्चुअल में वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसको यहां लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसको मेजर किसमें करेंगे, इसको मेजर करेंगे हम वोल्ट पर मीटर में, किसमें मेजर करेंगे, वोल्ट पर मीटर में। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होगी या इसका मतलब नहीं पता होगा तो आपके न्यूमेरिकल आपसे नहीं निकलेंगे। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई एग्जाम में आता भी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जरूर इसमें से, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें जरूर आ जाता है। स्टेट बोर्ड में कभी कभी जो मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसमें से उठाता है, न्यूमेरिकल बहुत कम देता है इस पर, ठीक है। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में ये जो है मोस्टली इस पे न्यूमेरिकल आते होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है तो हम यहां पे एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं किस किस के बीच में, V और L के बीच में। V और L के बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा इसका, तो ये चीज याद रखना है। इसको मेजर किसमें करते हैं, वोल्ट पर मीटर में, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर बात करें तो पोटेंशियोमीटर की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हम दो सेल जिनकी ईएमएफ के बारे में हम नहीं जानते लेकिन हम उनकी ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में अभी रखना है वो ये, चाहे मैं यहां पर एक ही सेल कनेक्ट करूं, ये आपका ड्राइविंग सेल है, ठीक है, ड्राइवर ये है हमारा, ये चीज दिमाग में सेट करके रखना, ये क्या है हमारा ड्राइविंग सेल। और ये कौन सा सेल है, ये जिस सेल की ईएमएफ आप
फाइंड आउट करना चाह रहे हो या कंपेयर करना चाह रहे हो, तो इसमें एक चीज याद रखना, जब भी यहां कोई सेल मैंने कनेक्ट किया, इसकी ये वाली ईएमएफ हमेशा इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसकी ईएमएफ यानी ई मस्ट बी ग्रेटर देन ई वन और ई मस्ट बी ग्रेटर देन ई टू, दोनों की ईएमएफ से इसकी ईएमएफ ज्यादा होनी कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जब नल पॉइंट सर्च करोगे तो आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में रखना। दूसरा, आपका सर्किट सही से कनेक्ट है कि नहीं है, जो चीज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपका प्रैक्टिकल भी है, तो ये दिमाग में रखना, ये प्रैक्टिकल भी है और इसको इसी तरीके से सर्किट अरेंजमेंट आपको कनेक्ट करनी होती है। यहां आपके पास में दो सेल है, चाहे वो सेल कौन से भी ले सकते हो आप, डेनियल सेल, लेग्लेंचे सेल, जो भी आप सेल लो उनको कंपेयर कर सकते हो उनकी ईएमएफ को। तो मैं अभी आपको यहां ये बता रहा हूं कि जब आप सबसे पहले चेक करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले क्या करो, आप इस जॉकी को ए पॉइंट पे लेके आओ। ए पॉइंट पे लेके आओगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर मैंने जैसे कल बताया था नल पॉइंट यहां होता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन जीरो यहां होती है। जैसे ए पॉइंट पे लेके आओगे तो इसकी फुल डिफ्लेक्शन इधर की तरफ मिलेगी, और जैसे ही बी पे कनेक्ट करोगे तो फुल डिफ्लेक्शन इधर आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका सर्किट आपने सही कनेक्ट किया है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ए पॉइंट, ये चीज ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल अगर ए से कनेक्टेड है तो आपकी फुल डिफ्लेक्शन इधर की तरफ मिलेगी। तो ये पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो आपका सर्किट में कोई मिस्टेक नहीं, मतलब सर्किट आपने सही से कनेक्ट किया है। अब हम बात करते हैं, यहां पे दो स्विच आपको नजर आ रहे हैं, ए और बी। फर्स्ट के स्विच है यहां, इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये ड्राइविंग सेल है ये इसमें करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है। अब यहां से मैंने पहले E1 को कनेक्ट कर रखा है, E2 दोनों को कनेक्ट किया है और ये की है, अभी मैंने A की को कनेक्ट किया। A की को कनेक्ट किया मतलब ये अभी ऑन नहीं है हमारा, E2 हमारा कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ E1 कनेक्टेड है। और E1 को कनेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द नल पॉइंट ऑन दिस वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर हम नल पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है। जॉकी को हम बिल्कुल हल्के हाथों से, स्लाइड भी नहीं कह सकते, उसको बार बार ऐसे टच करेंगे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, जहां हमें लगता है कि यहां आपको नल पॉइंट मिल सकता है तो वहां हल्का हल्का, क्योंकि ज्यादा आप उसको स्लाइड करोगे प्रेशर के साथ में तो उससे क्या होगा, जो उसका यूनिफॉर्म जिसको हम कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा और उससे आपका एक्सपेरिमेंट गलत आएगा, एरर आएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैं पॉइंट सारे क्लियर कर रहा हूं, बाकी इसमें है कुछ नहीं। अभी जैसे मैंने ए को कनेक्ट किया, व्हेन ए की इज कनेक्टेड या प्रेस्ड, ओके, जब ए की को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हम गैल्वेनोमीटर से क्या पॉइंट सर्च करेंगे, नल पॉइंट सर्च करेंगे। लेट सपोज कि जे पॉइंट के ऊपर आपको वो नल पॉइंट मिल गया, तो हम यहां पे इससे क्या लिख सकते हैं, तो ईवन हमारा आ जाएगा के इनटू लेंथ पे डिपेंड करता है। सपोज करो ए से यहां तक की लेंथ होगी हमारी एल वन, ए से जे पॉइंट तक की लेंथ होगी एल वन, तो मैंने अभी कहा था कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है Across any length of the potentiometer wire depend its length itself. तो L पे ही depend करेगी जितनी length के across voltage drop हुई है। तो E1 is equal to K into L1. ये equation हमारी first हो जाएगी। ऐसे ही आप जब press करोगे when B key is pressed, keeping A key ओपन, ए की को हम ओपन कर देंगे, इसमें बी को आपने ओपन रखा था, इसमें ए को ओपन कर देंगे। अब ऐसा करोगे तो अब हमारा ये ओपन कर दिया हमने और इसको कनेक्ट कर दिया। अब कहने का मतलब ये ई टू सेल हमारा कनेक्टेड है, अगेन हमारा अब क्या कोशिश होगी, अब इस पे नल पॉइंट सर्च करेंगे, हो सकता है यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, कहीं पे भी मिले, तो इधर से हम लेंथ मेजर करना शुरू करेंगे जहां पे भी नल पॉइंट मिलेगा। सपोज करो जे डैश पे आपको मिल गया, ठीक है, जे डैश पे मिल गया, तो आप लिखोगे E2 is equals to K into L2, ठीक है। तो K की वैल्यू हमें नहीं पता, K की वैल्यू अभी आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। अभी यहां पे ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे,
इन दोनों इक्वेशन को हम जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, यहां लिख लेते हैं उसको, ई वन डिवाइड बाय ई टू इक्वल्स टू के इंटू एल वन डिवाइड बाय के इंटू एल टू, के विल गेट कैंसिल। सो ये हमारा सेल का कंपैरिजन हो गया, जिसमें आप लिख सकते हो एल वन डिवाइड बाय एल टू, मतलब इनका रेशियो जो है एल वन बाय एल टू की लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब ठीक है, यही हमें कंपेयर करना था। अगर अब आपको सेल का ईएमएफ नहीं पता, लेकिन लेंथ तो आप मेजर करोगे, वो लेंथ तो यहां से मेजर करनी शुरू करनी पड़ेगी आपको, तो लेंथ आपको पता लगी तो उन्हीं लेंथ का ही रेशियो हमें बताएगा कि सेल्स के ईएमएफ का रेशियो ये है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप बार बार दोहराते हो, पांच बार छह बार करके उनकी एवरेज निकाल लेते हो और वो आपकी एक्यूरेट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये मेथड है कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है, टाइम मैंने भले ही ज्यादा लिया तो लेकिन सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है, ठीक है। इसकी दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। प्राइमरी सेल हमने कोई कनेक्ट कर लिया ई, ठीक है, जिसका ईएमएफ ई है, हम क्या करेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करो स्मॉल आर है, ये हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इससे मेथड क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले जैसा आप लोग देख पा रहे हो पोटेंशियोमीटर है, यहां पे मैंने K1 के लिया है, यहां पे ये एक बैटरी ड्राइविंग सेल जिसको बोलेंगे, ये K2 की है। अब मेथड क्या है, सबसे पहले मैं यहां पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है मैंने, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस में कोई जैसे की होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स आप लोगों ने शायद देखा हो, नहीं देखा हो मैं बता देता हूं, इसमें अलग अलग ऐसे की लगी होती है, ठीक है, और ये की क्या होती है, जैसे ये 10 ओम हो गया, ये 50 ओम हो गया, ये 100 ओम हो गया, ठीक है, ये 200 हो गया, ये 500 हो गया, ऐसे अलग अलग ओम की होती है। अगर वो की आप निकाल देते हो मतलब उतना ही रेजिस्टेंस आपने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप सोचेंगे ऐसा होता क्या है, जैसे ये की एक्चुअल में ऐसी होती है, देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ये यहां से आपने ये की अगर आपने निकाल दी तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये कॉपर की स्ट्रिप होती है और इस स्ट्रिप के बीच में अब जैसे ये आपने की यहां से हटाई, अगर की कनेक्ट करोगे तो ये डायरेक्ट है और अगर की आपने यहां से रिप्लेस की तो यहां पे इसके नीचे एक वायर होती है, ये ऐसे कनेक्टेड, अब करंट जो है इसके अंदर से फ्लो करेगा, यहां से की आपने रिप्लेस कर दी, यहां से की आपने निकाल दी, ठीक है, की निकालने के बाद में ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर इंक्लूड हो गया। जैसे मैंने 500 का निकाल दिया तो 500 ओम इसमें इंक्लूड हो गया, 10 का निकालोगे तो 10 का हो जाएगा, बाकी आपने लगा रखी है, अगर 50 का और 100 का निकाल दिया, दोनों का निकाल दिया तो 50+100 यानी 150 का रेजिस्टेंस जो है इंक्लूड हो गया सर्किट के अंदर। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स है तो इसमें आपने एक कोई भी रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आप चाह रहे हो कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ वो आप ले सकते हो, यहां सपोज करो जो भी रेजिस्टेंस होगा वो आर होगा, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो वी होगी। अब आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से इसको कनेक्ट कर रखा है, K2 को मैंने प्रेस नहीं किया, K1 हमारा क्या है क्लोज्ड है शुरू से ही और K2 जो है वो ओपन है, K2 हमारा ओपन है। अब आपका सेल जो है ई जिसका ईएमएफ है, इसको गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम अगेन वही काम करते हैं, नल पॉइंट सर्च करना शुरू करेंगे। आप देखोगे कि नल पॉइंट जो है गैल्वेनोमीटर में इधर से जैसे यहां कनेक्ट करोगे तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ आएगी यहां, और जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे तो डिफ्लेक्शन कम होती चली जाएगी और यहां जीरो डिफ्लेक्शन है इसके नजदीक में हम आ जाएंगे, ठीक है, और हल्का सा आगे जाओगे तो वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना शुरू कर देगा। तो आप धीरे धीरे वो पॉइंट सर्च करोगे हल्का हल्का जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो है, नल डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन है, वो पॉइंट आपने सपोज करो जे कह दिया, तो हम अब पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है उससे हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू के इंटू एल वन होगी वो लेंथ, जो भी है आपने लेंथ एल वन कह दिया, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा लेंथ एल वन है, एक्चुअल में यहां एक स्केल लगा होता है, ठीक है, एक वुडन स्केल यहां पे लगा होता है 100 सेंटीमीटर का, तो आप वहां से मेजर कर लेते हो कि ये कितना सेंटीमीटर हो गया,
ठीक है, तो E इंटू E इज इक्वल टू के इंटू एल वन आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या किया भाई, अब इस के टू को भी प्रेस कर दिया, ठीक है, के टू इज क्लोज्ड, ठीक है, या प्रेस कर दिया आपने। ऐसा करने पे अब क्या हुआ, अब ऐसा करने पे आपके सर्किट के अंदर आर रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमें मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी अब जो है आपका गैल्वेनोमीटर जो नल पॉइंट सर्च करेगा वो लेंथ कितनी है इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनटू जो भी लेंथ आएगी वो क्या होगा, वो वोल्टेज होगी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है आर के अक्रॉस, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखिए अब यहां पे हम नल पॉइंट सर्च करते हैं और सर्च करते हुए कहीं पे भी सपोज करो जे डैश यहां भी मिल सकता है, यहां मिल सकता है, कहीं पे भी मिले, आपने वो लेंथ मेजर कर ली। और इसी तरीके से जो वोल्टेज ड्रॉप आई निकल के वो है के इंटू एल टू, के तो चेंज नहीं होगा, जो वोल्ट पर मीटर है या वोल्ट पर सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, तो के इंटू एल टू जो है आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपने डिवाइड किया इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो ये बन जाएगा E डिवाइड बाय V इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा L1 डिवाइड बाय L2, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मैंने कह दिया। अगर आपको याद है अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हो भाई कितना था, याद है किसी को, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमने लिया था स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाय वी माइनस वन इनटू कैपिटल आर, और ये कैपिटल आर इसका रेजिस्टेंस है जो भी रेजिस्टेंस बॉक्स से आप यूज करोगे, ठीक है। अब देखो ना तो आपको इसकी ईएमएफ पता थी और यहां जो भी रेजिस्टेंस चूज किया उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमने क्या देखा कि E by V हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, लेंथ में रेशियो निकाल लिया हमने, ठीक है। लेंथ में रेशियो अगर आपको पता चल गया तो अब आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां आप इसमें वैल्यू रखिए R इज इक्वल टू एल वन डिवाइड बाय एल टू माइनस वन इंटू आर। आर आपने यहां रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी रेजिस्टेंस निकाला था 100 ओम का निकाला था, 200 का, वो यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से By knowing the value of L1, L2 and R, you can easily calculate the internal resistance of the cell. ठीक है, तो ये था application इसका, ठीक है। वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप भी आप यहां से मेजर कर सकते हो, ये मेथड था, देखो यहां से आप मेजर कर सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये एक कहने का मतलब आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो हम बात करते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सारी चीज ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेक्चर थोड़ा लेंथी जरूर जा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, भाई सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करें तो सेंसिटिविटी से हमारा मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए वोल्टेज ड्रॉप हम मेजर कर रहे हैं, कम से कम वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमें लेंथ की वैल्यू जो है ज्यादा मिले, समझ आ रही है बात, कम से कम वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमें लेंथ की वैल्यू ज्यादा मिले वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लिया कि मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है R और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप आ रही है वो V आ गई। अब इस V की जो वैल्यू आती है लेंथ के अक्रॉस हम अगर मेजर करें तो यहां से लेंथ पे डिपेंड करता है क्योंकि V इज इक्वल टू K इंटू L आएगा, और ये लेंथ जो है आपने इस पोटेंशियोमीटर की यहां से A से B तक की, मैंने जैसे 400 सेंटीमीटर लिखी, अगर आपने 400 की बजाय सिर्फ मान लिया 50 सेंटीमीटर की वायर ली होती या 10 सेंटीमीटर की वायर ही ले रखी होती, ए से बी तक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होती। अब जरा सोच के चलिए कि मेरा जो आर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो इस 10 सेंटीमीटर की वायर के अंदर नल पॉइंट सर्च करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा, डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से देगा इधर और इधर, ठीक है। तो सेंसिटिविटी जो है
वो क्या होगी, एक्यूरेट नहीं आएगा, मतलब इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप जो है इस आर के क्रॉस वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। तो इस एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाना पड़ता है, और सेंसिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर की लेंथ जो है वायर की वो इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको नल पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाता है, और यानी कम से कम वोल्टेज ड्रॉप भी होगी। तो उसके अब जैसे मान लिया मैंने कहा कि इस रेजिस्टेंस में हल्का सा रेजिस्टेंस मैंने और इंक्रीज कर दिया, तो आप देखोगे 10 सेंटीमीटर की अगर वायर है तो वोल्टेज ड्रॉप में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, यानी आपको नल पॉइंट वही के वही मिलेगा लगभग। लेकिन आपने तो रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, वहां वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज हुई है, लेकिन आपको लेंथ में कोई चेंज नजर ही नहीं आया, क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है। लेकिन अगर आप सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर की बात करोगे तो जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो हल्का सा भी रेजिस्टेंस में वेरी करोगे तो उसके अक्रॉस लेंथ में ज्यादा वेरिएशन आएगा। ऐसे पोटेंशियोमीटर को हम बोलते हैं सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर। बहुत ही क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचती। तो सेंसिटिविटी किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, अब ये समझते हैं। सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है कैसे, जो K है पोटेंशियोमीटर, पहला पॉइंट K जो है हमारा पोटेंशियोमीटर, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करके। पोटेंशियोमीटर जो है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम डिक्रीज कर दें तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा मेथड है लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, लेंथ से मतलब है यहां से लेके ये जो लेंथ है, ठीक है, ए से बी तक की जो लेंथ है, ये इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इस लेंथ को इंक्रीज करूं और के को डिक्रीज करूं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी पोटेंशियोमीटर की, समझ आ रहा है। तो ये दो मेथड है। अब के की वैल्यू आपने पढ़ा के इज इक्वल टू आई इंटू रो डिवाइड बाय ए, ठीक है, और के की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए ना तो आप मटेरियल चेंज कर सकते, ना वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया उसको चेंज कर सकते, तो आप क्या करोगे, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करोगे। और करंट की वैल्यू कैसे डिक्रीज की जा सकती है, जो रेजिस्टेंस है रियोस्टेट है, अब यहां काम आएगा वो, इस रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, मतलब रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है, मैंने रियोस्टेट को थोड़ा सा इस तरीके से मूव करवा दिया सो दैट कि सर्किट के अंदर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो करंट अपने आप जो है ड्रॉप जाएगा, नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो हमारा के जो है यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, आपको समझ आ गया होगा कि सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने अभी टॉपिक आपको बताया है सेंसिटिविटी और पोटेंशियोमीटर, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार, कि के की वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे या लेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। या करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करेंगे, तो कई बार जो है बच्चे सिर्फ के को और एल को पढ़ के चले जाते हैं और आई का कंसेप्ट उनको पता ही नहीं होता, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। आई की वैल्यू यानी रियोस्टेट से आप रेजिस्टेंस कम ज्यादा करते हैं तो उससे करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इससे हमारे सेंसिटिविटी पे जरूर से जरूर इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, आपको ये सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हुए होंगे। अब आप वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस अपने आप बता सकते हो, ठीक है। मैं एक बार फिर भी थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूं। वोल्टमीटर जनरली क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज ड्रॉप मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप एक्यूरेटली मेजर करता है, ठीक है, एक्यूरेटली मेजर करता है। और वोल्टेज ड्रॉप जो है, अगर वोल्टमीटर की बात करें तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कैरी आराम से कर सकते हो, पोर्टेबल है, ठीक है, उसको इजीली कैरी किया जा सकता है। लेकिन आपका जो पोटेंशियोमीटर है इसको इजीली कैरी नहीं किया जा सकता, बल्कि होता है ये, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर की एडिशनल एडवांटेज ये है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ आप वोल्टमीटर की हेल्प से नहीं कर सकते। जो आपका वोल्टमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे डिपेंड करता है,
आपका वोल्टमीटर सर्किट से एडिशनल करंट ड्रॉ करता है, लेकिन वोल्ट जो आपका पोटेंशियोमीटर जो है, वोल्टमीटर आपको पता है कि सर्किट में जब लगाओगे वो एडिशनल करंट जो है जरूर ड्रॉ करेगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है कभी भी सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, जब भी वो दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज ड्रॉप मेजर करता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो ये था सारा। लेंथी जरूर था लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज वाला जो टॉपिक है, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि मैंने बहुत ही लेवल पे जाके पढ़ाया है, कि कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो उसको भी ये समझ में आएगा। ये टफेस्ट टॉपिक में आता है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये टफेस्ट टॉपिक जो होता है उसमें आता है, और जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम बोर्ड में उनके अंदर ये क्वेश्चन आता है, उसमें ये क्वेश्चन अमूमन देखा गया है। आप सैंपल पेपर उठाओगे, 5 सैंपल पेपर उठाओगे तो लगभग उसमें 3 में ये आपको मिल जाएगा। ऐसे टाइप का टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ भी मिल सकता है, न्यूमेरिकल मिल सकता है या ये कंसेप्ट मिल सकता है, और लोगों को टफ लगता है क्योंकि उनको इतना डिटेल में जाकर के कोई पढ़ाता नहीं है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक मिल सकता है, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो जरूर से जरूर करना। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा फॉरवर्ड कर दो कि कोई भी जो है देखे तो उसको अच्छा लगे, और वो जरूर से जरूर अपने चैनल पे आए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है, और आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा हार्टली थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि हम अब जो है 700 की काउंटिंग में आ चुके हैं। टोटल हम लगभग मेरे सब्सक्राइबर जो है 700 हो चुके हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और आप लोगों ने शेयर किया, और आगे भी आप लोगों से उम्मीद करता हूं हम जल्दी ही 1000 का जो एक माइलस्टोन है वो कवर करेंगे, और हमारे चैनल में और कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन पे आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, इन पे न्यूमेरिकल करके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल में आप लोगों को करवाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये लास्ट टॉपिक था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, तो हमारी एक यूनिट और कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमने ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर 2 मेजर यूनिट हमने कवर कर ली है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, लेकिन मुझे कमेंट करके आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बताते। वीडियो देख लिया, देख रहे हैं, अच्छे से सारा काम कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे कमेंट करके कोई ये नहीं बताता कि सर वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, कोई नहीं बोलता। ये जरूर बताया करो भाई, थोड़ा हा हमें भी खुशी मिलती है। ठीक है, तो आज जो है मैंने आपको पढ़ाया है, इतना ही काम आप कवर करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।